हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूं चंद्रा आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है। आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को बताएंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते समय हमें किन किन इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो शुरुआत करते हैं हम पेंसिल से। किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए हमें सबसे पहले पेंसिल की आवश्यकता पड़ती है। इसके बिना हम किसी भी ड्राइंग को नहीं बना सकते हैं। फ्रेंड्स, पेंसिल का प्रयोग तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में विभिन्न प्रकार की पेंसिलें प्रयोग की जाती हैं। ड्राइंग बनाते समय विभिन्न प्रकार की रेखाओं का प्रयोग होता है। ये रेखाएं मोटी, पतली, गहरी व हल्की होती हैं। यह भिन्नता पेंसिल के लेड के द्वारा लाई जाती है। पेंसिल की लेड ग्रेफाइट, क्ले व काओलिन की विभिन्न मात्राओं को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें से काओलिन ही एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो लेड की कठोरता को घटाता या बढ़ाता है। पेंसिल 3 ग्रेड में पाई जाती हैं: सॉफ्ट, हार्ड व मीडियम। सॉफ्ट ग्रेड के अंतर्गत जो पेंसिल हैं वो निम्न प्रकार की होती हैं, जैसे B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B व 7B। हार्ड ग्रेड के अंतर्गत निम्न प्रकार की पेंसिलें आती हैं, जैसे कि H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H व 9H। मीडियम ग्रेड के अंतर्गत HB व F ग्रेड की पेंसिलें आती हैं। इनमें से सबसे मुलायम पेंसिल 7B ग्रेड की होती है तथा सबसे कठोर पेंसिल 9H ग्रेड की होती है। सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग बाउंड्री लाइन या आउटलाइन बनाने के लिए करते हैं। हार्ड ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग हल्की लाइन, जैसे हैचिंग लाइन, डायमेंशन लाइन आदि बनाने के लिए करते हैं। मीडियम ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग एरोहेड तथा लेटर्स लिखने के लिए करते हैं। इनमें से इसके साथ साथ ड्राइंग बनाते समय हमें वातावरण का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि किस मौसम में आप किस पेंसिल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बरसात के मौसम में वातावरण में मौजूद नमी के कारण हमारी ड्राइंग शीट नम हो जाती है। तो दोस्तों, बारिश के मौसम में ड्राइंग बनाते समय हमेशा सॉफ्ट या मीडियम ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हार्ड ग्रेड की पेंसिल प्रयोग करने से ड्राइंग शीट फट भी सकती है। उपकरण नंबर 2, इरेजर। इसका प्रयोग ड्राइंग शीट पर बनी आकृति की रफ लाइन को मिटाने तथा उसमें हुई गलतियों को मिटाने के लिए करते हैं। इसके लिए हमेशा मुलायम इरेजर का ही प्रयोग करना चाहिए। इरेजर जितनी ही मुलायम होगी वह उतना ही अच्छा मिटाएगी। खराब क्वालिटी की इरेजर ड्राइंग शीट को गंदा या फाड़ भी सकती है। उपकरण नंबर 3, पेंसिल शार्पनर। पेंसिल की लेड को नुकीला या शार्प करने के लिए हमें हमेशा पेंसिल शार्पनर का ही प्रयोग करना चाहिए। पेंसिल के लेड को शार्प बनाने के लिए कभी भी रेजर ब्लेड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उपकरण नंबर 4, कॉटन। इरेजर से मिटाने के बाद उसके वेस्ट को कभी भी हाथ से नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि ड्राइंग शीट को बार बार हाथ से छूने पर ड्राइंग शीट गंदी हो जाती है। तो हमें हमेशा इरेजर के वेस्ट को हटाने के लिए कॉटन का ही प्रयोग करना चाहिए। उपकरण नंबर 5, स्केल। ड्राइंग में प्रयोग किए जाने वाले स्केल पर ब्रिटिश तथा मीट्रिक दोनों प्रणाली में निशान अंकित रहते हैं। यह स्केल मार्केट में 15 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर की आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इसकी अल्पतम माप मीट्रिक में 0.5 तथा ब्रिटिश में 1/64 इंच होती है। उपकरण नंबर 6, सेट स्क्वायर। दोस्तों, ड्राइंग को बनाने के लिए
हमें सेट स्क्वायर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है जिसका प्रयोग करते हैं। सेट स्क्वायर यह दो पार्टों में होता है। सेट स्क्वायर त्रिभुज के आकार के बने होते हैं। पहले पार्ट के तीन एंगल क्रमशः 45 डिग्री, 45 डिग्री व 90 डिग्री होते हैं तथा दूसरे पार्ट के तीन एंगल क्रमशः 30 डिग्री, 60 डिग्री व 90 डिग्री होते हैं। इसके पहले पार्ट के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री तथा दूसरे पार्ट के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इन पर भी स्केल की तरह सेंटीमीटर तथा इंच के निशान अंकित रहते हैं। ड्राइंग को सही माप में बनाने के लिए हमें सेट स्क्वायर की आवश्यकता पड़ती है। सेट स्क्वायर से ड्राइंग बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रहना चाहिए कि सेट स्क्वायर ओवरलैप ना करे, अन्यथा ड्राइंग की माप घट या बढ़ सकती है। उपकरण नंबर 7, प्रोटेक्टर। यह अर्धगोलाकार के रूप में बना होता है। इस पर 0 डिग्री से 180 डिग्री तक निशान क्लॉकवाइज तथा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में बने होते हैं। इसके अंदर की ओर अंकित निशान को इनर स्केल तथा बाहर की ओर अंकित निशान को आउटर स्केल कहते हैं। इसकी सहायता से 0 डिग्री से 180 डिग्री तक के कोण आसानी से बनाए जा सकते हैं। उपकरण नंबर 8, कंपास। यह मेटल का बना होता है। इसका प्रयोग रेडियस, सर्किल, लाइन को दो या उससे अधिक बराबर भागों में बांटने तथा एंगल बनाने के लिए करते हैं। मार्केट में इंजीनियरिंग कंपास आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए हमेशा इंजीनियरिंग कंपास का ही प्रयोग करना चाहिए। उपकरण नंबर 9, फ्रेंच कर्व। इसका प्रयोग इरेगुलर वक्र बनाने के लिए किया जाता है। यह एक सेट के रूप में होता है। इसके एक सेट में लगभग 10 या 12 फ्रेंच कर्व होते हैं। उपकरण नंबर 10, टी स्क्वायर। ड्राइंग शीट पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए टी स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। यह अंग्रेजी के अक्षर टी की भांति बना होता है, इसलिए इसे टी स्क्वायर कहते हैं। इसका प्रयोग हमेशा ड्राइंग बोर्ड के साथ किया जाता है। उपकरण नंबर 11, ड्राइंग बोर्ड। इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते समय प्रायः ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट सेट करके उस पर ड्राइंग बनाई जाती है। ड्राइंग बोर्ड अधिकतर जैतून या ओक की लकड़ी के बनाए जाते हैं। ड्राइंग बोर्ड खरीदते समय यह ध्यान रहे कि बोर्ड की ऊपरी सतह समतल व चिकनी होनी चाहिए, जिससे कि ड्राइंग शीट पर ड्राइंग बनाते समय असुविधा ना हो। फ्रेंड्स, ड्राइंग बोर्ड कई माप में पाए जाते हैं, यह हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। फ्रेंड्स, अगर जो आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना तथा शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, अगर जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारी अगली वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। धन्यवाद।